आप देख रहे हैं इंडिया सुपर 30। आपके साथ मैं हूं शिल्पी और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की आज की सुपर 30 खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होनी है और सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश में 100 नए राज्य जाने के प्रस्ताव को सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा गोरखपुर में कुश्ती हॉल और एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है। इनके अलावा स्वच्छ भारत मिशन क्रियान्वयन, भारतेंदु नाट्य अकादमी, अयोध्या शोध संस्थान कर्मचारियों और ललित कला अकादमी में 60 साल में रिटायरमेंट पर भी चर्चा होनी है। नगर निगमों में संविदा पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति और झांसी के लक्ष्मीताल में एसटीपी लगाने का भी प्रस्ताव है। सीएम और राज्यपाल के स्टाफ का भत्ता बढ़ने, प्रदेश में नई शीरा नीति में संशोधन और सैफे हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग निर्माण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यूपी में आज ग्राम प्रधान पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग घर से निकलकर मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। किसी मतदान केंद्र पर वोटर्स की लंबी कतार देखी जा रही है तो कहीं लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली और अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण का 5 दिसंबर को और चौथे और अंतिम चरण का मतदान 9 दिसंबर को होगा। 12 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी वाराणसी जाएंगे। मोदी और शिंजो आबे गंगा आरती में शामिल होंगे। खबर है मोदी और शिंजो आबे वाराणसी के 100 गणमान्यों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। पीएम के वाराणसी आगमन में सूबे के सीएम अखिलेश यादव भी जाएंगे। असहिष्णुता संसद में चल रही बहस में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। संसद में हिंदू पीएम के मुद्दे पर हंगामे के मामले में अब आउटलुक का पत्रिका ने माफी भी मांग ली है। आउटलुक ने कहा है कि उसका राजनाथ सिंह या मोहम्मद सलीम के अपमान का कोई इरादा नहीं था। मैगजीन के मुताबिक बयान की पूरी तरह से पड़ताल नहीं की गई थी। मैगजीन ने माना कि पत्रिका में छपा बयान राजनाथ सिंह का नहीं था। असहिष्णुता पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कल सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला था। मोहम्मद सलीम ने आरोप ये लगाया कि 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश में 800 साल बाद कोई हिंदू शासक आया। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया, 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है, ये लोकतंत्र की दुहाई है, ये सेकुलरिज्म की दुहाई है, ये संविधान की दुहाई है, किसको इशारा कर रहे हैं? आई कैन कोट फर्स्ट हिंदू रूलर आफ्टर 800 ईयर्स। जब आप इलेक्शन मीटिंग के बाद, इलेक्शन के विक्ट्री के बाद, गृह मंत्री जी बोले तो आपका मैं ऑडियो प्रश्न देख रहे अच्छा वो अच्छा है तो वो खड़े होकर बोल दे कि हम ऐसा नहीं बोले, फिर बाकी हम देखेंगे। वो खड़े होकर बोल दे। पीएम मोदी आज सुबह फ्रांस से दिल्ली लौट रहे हैं। भारत के लिए पीएम मोदी रवाना भी हो चुके हैं। पेरिस में चल रहे जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी ने कल विकसित देशों को कड़ा संदेश दिया। इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हमारी देन नहीं, लेकिन भारत ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को सुलझाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित देशों से अपील की है कि वो विकासशील देशों की तरक्की के लिए कार्बन स्पेस में जगह देने में उदारता दिखाएं। क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के करीब 150 देशों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 195 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। द आउटकम इन पेरिस इज सो इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी आर हियर। वी वांट द वर्ल्ड टू एक्ट विद अर्जेंसी।
पेरिस में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कल मुलाकात भी हुई। शिष्टाचार के तौर पर हुई मुलाकात में दोनों ने हाथ मिलाए। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 मिनट तक बात हुई। इससे पहले मोदी और नवाज के बीच आखिरी मुलाकात रूस के उफा में हुई थी। उस वक्त दोनों के बीच आतंकवाद और सीज फायर उल्लंघन पर लगाम लगाने की सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद से कई बार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और घुसपैठ की वारदातें हो चुकी है। मोदी और नवाज के हाथ मिलाने पर अब शिवसेना ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि ऐसे हैंडशेक तो 50 सालों से हो रहे हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी है। इससे कश्मीर का आतंकवाद नहीं रुकेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकती है। हैंडशेक तो होता है, प्रोटोकॉल है, राजशिष्टाचार है, लेकिन उससे हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कश्मीर का आतंकवाद रुकेगा। ऐसे हैंडशेक तो 50 साल से हो रहे हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक तरफ वो हमारे यहाँ स्पाइंग कराएं और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी आतुर हैं अपने शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए, और अब गए हैं पेरिस तो उनके साथ एक शाम बिताना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता भी हुई और यही नहीं, क्रिकेट भी खेलने के लिए जल्दबाजी है। देखिए साफ कर दूं मैं, जब तक देश के हित सुरक्षित न हो तब तक किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई वार्ता तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक गोलियां चलनी बंद न हो जाए। गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकते। दिल्ली विधानसभा में कल भारी हंगामे के बीच जन लोकपाल बिल पेश किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल सदन में पेश किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल को देश का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे कठोर और ऐतिहासिक बिल बताया। जिस लोकपाल बिल के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, आज वही लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया है और इसके ऊपर आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी। बिना किसी शक या गुंजाइश के मैं ये बड़े आसानी से कह सकता हूं कि उन सारे लॉज में मैं समझता हूं कि ये सबसे शक्तिशाली और सबसे स्ट्रांग लॉ है, और इसके पास होने से भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। दिल्ली के जन लोकपाल बिल पर बीजेपी ने सदन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जंतर मंतर पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने दिल्ली सरकार के लोकपाल बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कभी जन लोकपाल के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलन करने वाले प्रशांत और योगेंद्र का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने लोकपाल के नाम पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। लोग कहते थे कि पारदर्शिता से काम होना चाहिए, जो कहते थे कि जनता को प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए, उनका विधानसभा अध्यक्ष जनता को विधानसभा के नजदीक आने दे नहीं रहा है। ये उस सरकार की करतूतियां हैं जिस सरकार ने कहा था कि लोगों को जनता की आवाज सुननी चाहिए सरकार की, वो सरकार आज जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। पुराने साथी जिसको कहते थे कि भाई ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है लोगों को प्रोटेस्ट से रोकना, आज वही लोग ये सब कर रहे हैं, रोक रहे हैं लोग। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन ने से आज दूसरे दिन भी पूछताछ होगी। पहले दिन 6 घंटे की पूछताछ में सीबीआई ने मारन को कुछ दस्तावेज भी दिखाए। मारन ने 5 दिसंबर तक रोजाना पूछताछ होगी। दयानिधि मारन पर आरोप है कि उन्होंने सन टीवी ग्रुप के मालिक कलानिधि मारन और अपने भाई की गैर कानूनी तरीके से मदद की। 2004 से 2007 के बीच टेलीकॉम मंत्री रहते दयानिधि मारन ने गैर कानूनी तरीके से घर में टेलीफोन एक्सचेंज चलाया। इस दौरान सन टीवी ने बीएसएनएल की 300 से ज्यादा हाई स्पीड लाइसेंस का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने 2013 में दयानिधि मारन और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कमी आई है। पेट्रोल 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई कीमतें आधी रात से आज लागू हो गई हैं। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 60.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल 45.55 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 66.55 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 53.79 रुपए प्रति लीटर है। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए गए आईएसआई के एजेंट से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आईएसआई का टारगेट झांसी की आमरी थी। पुलिस को वहां के कुछ ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आईएसआई का एजेंट अब्दुल रशीद झांसी की हथियार फैक्ट्री में सेंध लगाना चाहता था। दिल्ली पुलिस दोनों को जम्मू से लेकर दिल्ली आ गई है। इससे पहले कोलकाता में एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों बतौर जासूस आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। पिछले 15 दिनों में कोलकाता से आईएसआई के लिए काम करने वाले 5 जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और आईएसआई का एजेंट अब्दुल रशीद झांसी की हथियार फैक्ट्री में सेंध लगाना चाहता था। अब्दुल रशीद कश्मीर के राजौरी में तैनात था। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि रशीद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारा बीएसएफ का कोई हेड कांस्टेबल का उसमें पकड़ में आया है, वो तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो करेंगे। तो डिपार्टमेंटल जो भी रूल्स है और अपना सरकारी जो रूल है उसके हिसाब से उसको अभी प्रोसिक्यूशन जो भी करना है उस हिसाब से करेंगे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पाक एजेंट एजाज की बीवी ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया है। एजाज के खिलाफ उसकी पत्नी ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं एजेंसियों की पूछताछ में एजाज के कई और लड़कियों से भी रिश्ते उजागर हुए हैं। एजेंसीज ने अलग अलग इलाकों से करीब 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। शक है कि एजाज मुहिम के तहत मुजफ्फरनगर या बरेली जैसे संवेदनशील इलाकों के नौजवानों को गुमराह करने में भी जुटा था। नेपाल में मधेशियों का आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर मधेशी पिछले 108 दिनों से आंदोलन पर हैं। अब इस आंदोलन का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। प्रदर्शन की वजह से नेपाल से सटे इलाके में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के बंद होने से नाराज बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के मोतिहारी में बच्चे अपने भविष्य को लेकर मधेशी आंदोलनकारियों का साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर के शनि मंदिर में एक महिला श्रद्धालु के पूजा करने और शनि भगवान को तेल चढ़ाने को लेकर हंगामे के बाद मंदिर का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में 3 लोग शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही मंदिर के सुरक्षा गार्ड हैं। वीडियो एक मोबाइल से बनाया गया और करीब 2 महीने पहले का है। इसी मंदिर प्रशासन ने 2 दिन पहले एक महिला के पूजा करने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद मंदिर को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर को तब तक नहीं खोला गया जब तक कि शुद्धिकरण नहीं हुआ। 400 साल पुरानी परंपरा का हवाला देकर महिला के पूजा करने को शनि भगवान का अपमान बताया गया। लेकिन इसी मंदिर कैंपस में 3 सुरक्षा गार्ड्स शराब पीते पकड़े गए, लेकिन अभी तक इनको निलंबित तक नहीं किया गया। मुंबई में 7 साल से लटकी सीसीटीवी परियोजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसी ताज होटल में इसकी शुरुआत की जिसे 26/11 में आतंकियों ने निशाना बनाया था। पहले चरण में कुल 1381 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो वर्ली से लेकर कुलाबा के बीच 434 जगहों की लाइव तस्वीरें लगातार कंट्रोल रूम तक पहुंचाते रहेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिर्फ जवानों की संख्या बढ़ाकर किसी भी शहर की सुरक्षा पुख्ता नहीं की जा सकती है, इसके लिए तकनीक की मदद जरूरी है। इसकी शुरुआत मुंबई में 1381 सीसीटीवी कैमरों से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैन को थप्पड़ मारने के मामले में अभिनेता गोविंदा को माफी मांगने के लिए कहा है। मामला है 2008 का, जब गोविंदा ने सरेआम संतोष राय नाम के शख्स को थप्पड़ मारा था। संतोष राय ने 2 फरवरी 2009 को गोविंदा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जज ने ओपन कोर्ट में घटना का वीडियो देखा और गोविंदा के बर्ताव को आपत्तिजनक माना है। कोर्ट ने कहा कि गोविंदा अपने फैन से माफी मांगे। यह हुआ, बहुत गलती किया गोविंदा ने, तो वो उनको ओनली वन रेमेडी, उनको उनके पास कंपटीशनर के पास संतोष राय के पास आके
माफी मांग ले, जो कुछ भी है सेटल करो, दैट विल बी बेटर, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, ऐसा गोविंदा को बोला था कोर्ट ने। मुंबई मेट्रो की टिकट दरों में बढ़ोतरी फिलहाल 17 दिसंबर तक चल गई है। मेट्रो किराया 5 रुपए और मासिक पास का किराया 50 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान मुंबई मेट्रो 1 की तरफ से किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस संबंध में एक याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई हुई है, उसी के बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। अगली सुपर 10 खबरों का रुख करते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुकुंदपुर में एक लड़की की हत्या पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने डेड बॉडी लेकर मुकुंदपुर चौराहे पर प्रदर्शन किया। कई बसेस और कई प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है और इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस भीड़ पर काबू कर पाई। दरअसल 2 दिन पहले मुकुंदपुर में एक 25 साल की युवती की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। लड़की के परिवार के सभी सदस्य यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव में गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोस के नाबालिग ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया जबकि दूसरा अभी फरार बताया जा रहा है। लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मिर्जापुर के मोहम्मद इस्लाम ने गंगा जमुनी तहजीब की बेजोड़ मिसाल पेश की है। मोहम्मद इस्लाम नमाज के साथ साथ रामचरितमानस का भी पाठ करता है। मोहम्मद इस्लाम अक्सर रोजा रखकर भी रामायण का पाठ करते हैं। असहिष्णुता के सवाल पर मोहम्मद इस्लाम का कहना है, उन्हें कभी नहीं एहसास हुआ कि वो मुस्लिम है। पिछले 30 सालों से मुस्लिम होने के बावजूद मोहम्मद इस्लाम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामचरितमानस का पाठ करते हुए लोग उनके साथ मिलकर भी पाठ करते हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद इस्लाम ने अपने घर पर भी गाय रखी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवाओं की भर्तियों को लेकर एक अनूठी पहल की है। भर्तियों के लिए इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए यूपीपीएससी अब उन्हें इंटरव्यू के पहले क्लासिकल म्यूजिक सुनवाएगा। आयोग के नए चेयरमैन डॉक्टर सुनील जैन की पहल पर यह कदम उठाया गया है। वहाँ पर हमने एक शास्त्रीय संगीत और महापुरुषों की सूक्तियाँ वगैरह वहाँ पर लिखवाई हैं हमने, और एक संगीत का उसमें शास्त्रीय संगीत का हमने कुछ माइक लगवाए हैं जिससे उनका तनाव कम होता है, मन हल्का होता है। तनाव कम होने से क्या होता है कि जो उनकी योग्यता है उसको वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे साक्षात्कार कमरे में जाके, ऐसा मेरा मानना है। गोपालगंज में 25 साल की महिला ने महज इसीलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके बाल झड़ रहे थे। साधु चौक इलाके की रहने वाली दीप्ति रानी थावे प्रखंड कार्यालय में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थी। मृतका के पिता के मुताबिक रविवार रात को दीप्ति ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। दीप्ति का लिखा एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड में लिखा है, इस खुदकुशी के कोई भी जिम्मेदार नहीं। पीड़ित पिता के मुताबिक 2 साल पहले दीप्ति की शादी हुई थी। पति के साथ अनबन की वजह से वो मायके में ही रहकर नौकरी कर रही थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी ने वॉक्सवैगन की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र सरकार और वॉक्सवैगन को नोटिस भेजा है। एनजीटी ने भारी उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और वॉक्सवैगन को 23 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वॉक्सवैगन ने भारतीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया तब तक उसकी कारों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। आज आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक की मुलाकात से पहले और बढ़ती महंगाई की आशंकाओं के बीच ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने की संभावना है। पिछली बार आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट घटाया था। भारतीय एयरटेल अगले 3 साल में टेलीकॉम नेटवर्क सुधारने पर 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कंपनी तेजी से बढ़ती डेटा की डिमांड को पूरा करने के लिए 5,50,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर लाइन बिछाएगी। भारतीय एयरटेल मौजूदा वित्त वर्ष में 70,000 बेस स्टेशन लगाएगी जबकि 3 साल में 1,60,000 बेस स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी 2016 में ब्रॉडबैंड के लिए 50 Mbps की स्पीड भी देगी।
भारत सरकार की इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की पहल की तर्ज पर बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और जैक मा समेत दुनिया के टॉप उद्योगपतियों ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आपस में हाथ मिलाया है। उद्योगपति ब्रेक थ्रू एनर्जी कोएलिशन की घोषणा करेंगे, जो 28 निवेशकों का इंटरनेशनल ग्रुप है। इस ग्रुप का मकसद वैसी कंपनीज को लाना है जिसमें रिसर्च लैब से मार्केट तक सस्ती, विश्वसनीय और कार्बन फ्री एनर्जी डिलीवर करने की क्षमता है। माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज में दो नए हाई एंड फोन्स लूमिया 950 और 950 XL लॉन्च किए हैं। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के OS के साथ फोन लॉन्च किया है। लूमिया 950 में 5.2 इंच स्क्रीन है, जबकि 950 XL में है 5.7 इंच। नए फोन में 20 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की इनिशियल मेमोरी 32 GB की है, जो 2 TB तक एक्सपेंडेबल है। लूमिया 950 की कीमत है 43,699 रुपीज़ और लूमिया 950 XL की कीमत है 49,399 रुपीज़। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि टर्की ने इस्लामिक स्टेट से हो रही तेल की सप्लाई चालू रखने के लिए रूस का प्लेन गिराया है। इस बीच टर्की के पीएम अहमद दावूतोग्लू ने सीरियाई सीमा पर रूसी विमान गिराने के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस बीच आज टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। और इंडिया सुपर 30 में तो बस इतना ही।